अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आई हूँ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के साथ में, फ्रेंच टोस्ट बना रही हूँ। ये मैंने दूध ले ली हूँ, एक बड़ा कप दूध है, दो अंडे, शक्कर और ये इलायची पाउडर शक्कर के साथ में क्रश कर दी हूँ, और ये ब्रेड घी में बनाऊँगी। तो रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। सब एक साथ में मिक्स कर दूंगी। इलायची पाउडर भी डाल दिया, इसको मैं मिक्स करके ले लूंगी अच्छे से। जितना शक्कर जितना मीठा आप खाते हैं उसके हिसाब से आप मीठा डालिए। आहिल तो मेरा बहुत ज़्यादा मीठा खाता है, फ्रेंच टोस्ट तो बहुत शौक से खाता है, इसको बहुत अच्छा लगता है, और अगर बच जाता है तो वो स्कूल में भी लेके चले जाता है। कटोरी में शुगर बच गई थी, अच्छे से मिक्स करके ले लेते हैं, एक चार करके ले लेते हैं। बहुत अच्छी रेसिपी है ये फ्रेंच टोस्ट, इसको घी में ही बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगती है। पहले मैं घी डाल दूंगी पैन में, घी में ही बनाओ, बच्चों के लिए बहुत हेल्दी रहता है ये। फ्रेंच टोस्ट तो बहुत सारे बनाते ही होंगे, मैं भी बनाती हूँ, मॉर्निंग का क्विक ब्रेकफास्ट है ये, और ये इतना हेल्दी और इतना टेस्टी रहता है। मेरे आदमी को मैं स्कूल में भी दे देती हूँ, मेरे बच्चे को स्कूल में भी लेके चले जाता है ये। आप भी बनाइए, तो घी में बनाएंगे तो ऐसा है ना, घी का बहुत अच्छा टेस्ट, एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है। बाकी जो नॉर्मल घी है नॉर्मल घी में भी बना सकते हो आप, और अगर ऑयल में बनाना है तो ऑयल में भी बना सकते हैं। कोई की वजह से कैरमलाइज हो जाता है वो, देखो अभी और पकेगा, अंडा है ना अंदर, और 5 मिनट पकेगा बारीक गैस पे। तो ये देखो मैंने दोनों तरफ से अच्छे से पका ली हूँ इसको, दोनों तरफ से अच्छे से पक गए हैं, अंडा है ना, इसमें अंडा पक जाना चाहिए, दूध और अंडे का हेल्दी ब्रेकफास्ट। तो ये हमारा फ्रेंच टोस्ट बनके रेडी हो गया है, तो बहुत ही खूबसूरत मॉर्निंग है। तो आइए बताइए मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और कमेंट में बताओ कि आपको मेरी रेसिपीज कैसे लगती है। तो अगले ब्लॉग के लिए अल्लाह हाफिज़।